नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा। आपको बता दें, फरीदाबाद में क्राइम जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपने सुना ही होगा खबरों में कि दो दिन पहले NSPC चौक पर एक व्यक्ति की लाश मिली थी पेड़ से टंगी हुई, और कल एक सेक्टर 86 मेन चौक पर एक व्यक्ति पर जो है बिजली का खंभा गिर जाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। और आज एक और मामला हमारे सामने आया है। इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद के उत्तम नगर में। आधा एरिया उत्तम नगर का पड़ता है और आधा एरिया जो है वो बाजी रकबा का पड़ता है यहाँ के लोगों के द्वारा। और हम इस समय उत्तम नगर गाजीपुर रोड पे हैं और यहाँ पर आज एक मर्डर की सूचना मिली है हम आपको। आइए हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर मर्डर हुआ था और क्या जानकारी हमें मिली है। आप ये सामने ये जो एरिया देख पा रहे हैं सारा, ये उत्तम नगर का एरिया है। आधा नगर, आधा जो एरिया है वो गाजीपुर एरिया में आता है और आधा जो एरिया है वो बाजरी रकबा में आता है। बाजरी पीछे गांव है। और आपको बता दें, ये जो आप चारपाई पड़ी हुई देख रहे हैं, ये जो चारपाई पड़ी देख रहे हैं, इसी पर एक युवक की लाश मिली है। थोड़ा सा आगे आइए और इस पर देखिए, खून बुरी तरह से, जो खून भी आपको दिख पाएगा, थोड़ा सा आगे से दिखाइए, ये पूरी चारपाई पे जो खून है ये देखिए, इसी चारपाई पर बांध के किसी युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा गया है कि उसकी मौत हो चुकी है। और अभी जानकारी जो मिली है पूरी, 38 साल का युवक और नाम सुनील बताया जा रहा है जिसकी लाश मिली है। अभी अभी यहाँ से जो है पुलिस जो है अपना कार्य करते हुए यहाँ से चली गई है और हम अब यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि फरीदाबाद के अंदर लगातार जो है क्राइम स्तर बढ़ता जा रहा है, जहाँ हमारे शहर का पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो रोड पर लोगों के फीडबैक ले रहा है, लेकिन वहाँ पर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। फीडबैक अपनी जगह है, लेकिन क्राइम में कहीं भी किसी भी स्तर पर कमी नहीं है। तो ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये इसी जगह पे यहीं पर रहते थे वो लोग, यहीं पर रहते थे ना। ये जो व्यक्ति की जो लाश मिली है, वो व्यक्ति इसी जगह पर रहता था, इसी चारपाई पे सोता था और रात को, अब ये देखिए नीचे, इसी ये जो आप ये देख पा रहे हैं, इसी से बांध के उसको इतना मारा गया है कि उसकी मौत हो चुकी है। सुनील 38 वर्षीय और ये खून के धब्बे पूरी चारपाई पे आप देख सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करें, आपको जानकारी दे दें कि ये जो लाश है सुनील की, वो BK मोर्चे में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दी गई है। पुलिस प्रशासन अभी कुछ समय पहले यहाँ पे था, जो अपनी फॉर्मेलिटी करके यहाँ से जा चुका है। और यहाँ पर अभी इस उत्तम नगर की, अगर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, अगर आबादी की बात करें, कुछ ज़्यादा यहाँ पे घर नहीं बसे हुए हैं। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पूरा जंगल दिखाई देगा आपको, और इस तरफ अगर देखेंगे तो इक्का दुक्का मकान बने हुए हैं, एक लाइन में एक आधा मकान बना हुआ है, ज़्यादा मकान भी नहीं बने हुए हैं यहाँ पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए। सुनील 38 वर्षीय सुनील, जिसकी लाश उत्तम नगर में मिली है, इसी झोपड़ी में रहता था वो, जिसको इसी चारपाई से बांधकर जिसको मारा गया है, इतना बुरी तरह से मारा गया है इस चारपाई से बांध के कि उसकी मौत हो गई है। 38 वर्षीय सुनील, जिसकी बॉडी को अब पोस्टमार्टम के लिए BK मोर्चे में रखवा दिया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करें, किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे और इसी खबर में अगर कोई और अपडेट मिलती है तो आपको जरूर देंगे। आप देख रहे थे हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।